प्रियन, आज के इस न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक मिनी सेटअप बनाया है जो कि डीजे का मिनी सेटअप। यहाँ पर मैंने चार बेस का यहाँ पर मैंने सेटअप बनाया है जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो देखिए इस वीडियो का मैं किस तरीके से मैंने ये सेटअप बनाया है उसका फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। देखिए यहाँ पर जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं उनको मैंने बीच में से कट करके दो यहाँ पर बेस बनाए हैं। किस तरीके से कट किया है वो भी अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक देखिए मैंने यहाँ पर मार्केट से एक ट्रक परचेस किया है और जो हमारे होम थिएटर के स्पीकर होते हैं जो कि सेटेलाइट स्पीकर होते हैं वो यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं चार, जो कि ऊपर है दो और दो है इसमें मिड के, और ऊपर के जो देख रहे हैं वो यहाँ पर मैंने टॉप के लिए यूज़ किया है। और इसके अंदर ये जो एम्पलीफायर है ये एम्पलीफायर मैंने 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में आप इसे वोल्टेज दोगे तो ये यहाँ पर बेझिझक होकर बिंदास चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये एम्पलीफायर मैंने कैसे बनाया है, इसमें कौन सा बोर्ड यूज़ किया है, फुल ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। अगर आप कमेंट करते हो एम्पलीफायर बना कर दिखाओ, इसका बेस ट्यूब बना कर दिखाओ, ये ट्रक आपने किस तरीके से परचेस किया है, उसको मॉडिफाई किस तरीके से किया है, सबको सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखिए आपको जो यहाँ पर इसमें एम्पलीफायर के लिए मैंने कैबिनेट यूज़ किया है वो हमारा जो टाटा स्काई का बॉक्स होता है यानी कि सेटअप बॉक्स होता है, उस सेटअप बॉक्स को मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया है। यानी कि घर के ही पड़े पुराने चीज़ों को मैंने यहाँ पर यूज़ करके ये डीजे मिनी सेटअप यहाँ पर बनाया है। तो देखिए यहाँ पर इस एम्पलीफायर से जो नीचे के आपको दो स्पीकर दिख रहे होंगे, ये मेरा भांजा है संविधान जिसके लिए मैंने सेटअप बनाया है। मैं वैसे तो एम्पलीफायर से रिलेटेड वर्क करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक के जो भी उपकरण है। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो सेटअप में आपको होम थिएटर के स्पीकर दिख रहे हैं उससे हमको यहाँ पर मिड भी ले सकते हैं और हाई भी ले सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप जिसको मेरा भांजा हाथ लगाकर बता रहा है वो मैंने यहाँ पर बेस के लिए यूज़ किया है जो कि 10-10 वाट के स्पीकर है, और ये सेटेलाइट की जो स्पीकर है वो भी 10 वाट के है। और जो आपको ऊपर टॉप में जो दिख रहे हैं वो यहाँ पर हमारे ब्लूटूथ के स्पीकर है जो कि आपको मैनुअली दिखने के लिए मिल जाते हैं, 3 वाट के होते हैं, 3+3 वाट के। और इसके अंदर मैंने बोर्ड कौन सा यूज़ किया है तो इसके अंदर मैंने जो हमारा 8403 का बोर्ड जो होता है मिनी ब्लूटूथ जो स्पीकर होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं वो बोर्ड मैंने यहाँ पर इसमें यूज़ किया है। और एक बोर्ड मैंने यहाँ पर इसमें यूज़ किया है जो कि हमारा 8 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट में यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पर वो यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें 5 वोल्ट से चलने वाला एम्पलीफायर बनाना था। तो मैंने यहाँ पर इसमें जो हमारा रेगुलर ब्लूटूथ पैनल आता है वो ब्लूटूथ पैनल यहाँ पर लगा दिया है, और एक स्विच लगा दिया है जो कि यहाँ पर 100K का होने वाला है आप देख सकते हैं, और एक ट्रबल के लिए यहाँ पर हाई के लिए स्विच लगा दिया है। और देखिए कुछ इस तरीके से ये सेटअप है जैसे कि आपको दिख रहा है, पीछे से बताता हूँ तो यहाँ से 4 आउटपुट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जिससे कि आप 2 बेस और 4 टॉप, सॉरी फ्रेंड 2 टॉप और 2 बेस यहाँ पर चला सकते हो, 3 बेस और 3 टॉप भी यहाँ पर चला सकते हो। तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इन जो पिन है RC पिन की मदद से यहाँ पर लगा दिया है, और देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट का हमारा मोबाइल का जो चार्जर होता है उससे चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर चार्जिंग के लिए LED भी दी है, यहाँ पर मैंने पावर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी दिया है। अब हम इसे अगर अच्छा बैकअप लेते हैं तो आपको इसमें 2 सेल लगाना पड़ेगा जो कि लिथियम बैटरी के होते हैं, अभी इसके अंदर मैंने 1 सेल लगा दिया है जिससे कि मेरे को यहाँ पर 1 घंटे का बैकअप मिल जा रहा है। इन सभी 6 स्पीकर यहाँ पर रन करेंगे तो 1 घंटे का बैकअप मुझे मिल रहा है, और इसकी बैटरी 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये जो चार्जर है इसकी मदद से यहाँ पर ये LED शो होती है और यहाँ से आउटपुट 1 ले सकते हैं, और 3 RCA कनेक्टर से हम यहाँ पर आउटपुट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब इसमें मैं आगे कुछ और मॉडिफिकेशन भी करने वाला हूँ, इसकी शार्पी भी बनाने वाला हूँ यहाँ पर। और ये बॉक्स जो है बेस का जो बॉक्स है, मोबाइल का जो हमारा डिब्बा आता है जब हम मोबाइल को नया परचेस करते हैं तब जो हमारा डिब्बा मिलता है हमें, उस डिब्बे को मैंने यहाँ पर बेस ट्यूब के लिए यूज़ में लिया है।
और ये दो बटन देख सकते हो आप, जो वॉल्यूम को कम ज़्यादा और बेस ट्रेवल को कम ज़्यादा यहाँ पर करने के लिए मैंने इसमें इंस्टॉल किया, जो कि 100K और 47K का यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, आप कोई भी जो 5 वोल्ट का, ज़्यादातर जो 8403 का बोर्ड होता है उसे यूज़ करके भी आप इस डीजे सेटअप को बना सकते हो। पहले तो मैंने इन दो जो स्पीकर देख रहे हैं इनका ही मैंने सेटअप बनाया था, फिर मैंने इसको, ये जो हमारा होम थिएटर का होता है इसको यहाँ पर लगा दिया है, और बाद में मैंने ये सामने का जो बेस का होता है इसमें हमारा एक ही स्पीकर चलता है बेस के लिए, और दूसरा जो है वो सिर्फ सीओ के लिए दिखाया है जिसके अंदर से एयर बाहर निकलती है। और ये देखिए एम्पलीफायर, इसके अंदर मैंने वायरिंग फेयरिंग करके जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो भी वर्क है वो कर दिया है। इससे आपको ट्रबल देखने के लिए मिलेंगी दोनों स्पीकर से, आप चाहे तो इससे हाई भी ले सकते हो, मिड भी ले सकते हो, तो मैंने इसे हाई और ट्रबल के लिए यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि दो होम थिएटर के स्पीकर होने वाले लेफ्ट राइट के लिए। और इसमें दो 8403 के बोर्ड लगाना है आपने, इसमें मैंने दो 8403 के बोर्ड लगा दिए। पहले मैंने, पहले वाले सेटअप में मैंने एक ही बोर्ड लगाया था, जो कि ये इन दोनों के लिए चलाने के लिए मैंने एक ही 8403 का बोर्ड लगाया था, फिर मैंने थोड़ा अपग्रेड किया उसे और इसमें दूसरा एक 8403 का बोर्ड लगा दिया है, जिससे कि मेरे तीन बेस और तीन टॉप यहाँ पर बड़ी आसानी से चल जाते हैं। एक घंटे का एक सेल से हमें बैकअप मिल जाता है यहाँ पर। और बाद में ये देखिए, ये अखंड स्पीकर था, स्पीकर जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर होता है उसको मैंने बीच में से कट करके यहाँ पर बेस ट्यूब के जैसा बना दिया है। और ये देखिए, ये 10 वाट का स्पीकर है, एक स्पीकर से हमें 10 वाट की आउटपुट मिलती है और दूसरे स्पीकर से 10 वाट की आउटपुट मिलती है, लेकिन दूसरा स्पीकर यहाँ पर सिर्फ शो के लिए है, जिसके अंदर से जो होल है कॉइल का वहाँ से एयर बाहर आती है और एक स्पीकर यहाँ पर वर्क करता है कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो हमारे RC पिन की मदद से यहाँ पर सीरीज में स्पीकर का कनेक्शन कर लिया है, और इसको हम, इसका जो पिन है उसको हम जो हमारा एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है उसमें इस पिन को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दो स्पीकर को भी मैंने ना क्या पैरेलली कनेक्ट कर दिया था पहले, लेकिन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ये अलग अलग है अभी, क्योंकि अभी इसमें दो बोर्ड है, पहले मैंने एक ही बोर्ड लगाया था, अभी इसमें दो बोर्ड है, तो दो बोर्ड से तीन टॉप और तीन बेस यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। उसका साउंड टेस्ट भी मैं आपको बता दूंगा, इसका मैंने 8 से 10 दिन पहले मैंने इसका शॉर्ट्स अपलोड किया था यूट्यूब पर, तो मुझे अच्छा खासा व्यूज़ देखने के लिए मिला है वहाँ पर, तो मैंने इसका लॉन्ग बनाकर अभी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए कुछ इस तरीके का ये बोर्ड होता है जो कि 5 वोल्ट से रन करता है और हमें 3+3 वाट की आउटपुट देता है। आप वहाँ पर 5 वाट के भी स्पीकर लगा सकते हो, 10 वाट के भी स्पीकर लगा सकते हो, आपको बैकअप थोड़ा कम मिलेगा। तो देखिए इसमें प्लस माइनस इनपुट और आउटपुट का सेक्शन होता है। देखिए इस क्लास डी बोर्ड से यह छोटा पैक बड़ा धमाका बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर होने वाला है। आप इसे सिंगल बोर्ड से भी चला सकते हो और ड्यूअल बोर्ड से भी चला सकते हो। मैंने सिंगल का यहाँ पर बनाया था पहले, लेकिन अभी जो एम्पलीफायर है ये ड्यूअल से बना है। 5 वोल्ट से अच्छी खासी आउटपुट देता है और इसे इस तरीके से लगा देना है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।